नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको माई के बारे में बताऊंगा और माई के मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना दिया और ये नई डिजाइन के पगात कैसे डालते हैं वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप भी बना सकें। देखो यहाँ पर मैंने बांध लिया है उनके डाल दिया, देखो कैसे यहाँ से इस प्रकार से लेंगे। ये अलग डिजाइन के दोस्तों, इससे पहले मैंने बताई थी बहुत सी, और फिर यहाँ से इसमें डालेंगे दोस्तों इस प्रकार से। आप देखते रहिए यहाँ से बहुत सी और फिर यहाँ से डालेंगे। और माई ताना के बारे में पर्टिकुलर्स मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों, और पगात के बारे में भी बहुत सी वीडियो बनाई मैंने, तो वो भी आप देख सकते हैं। और ये भी एक पर्टिकुलर कला है और कला हमेशा दिखाई जाती है। और माई भी दोस्तों मैंने 5-10 प्रकार से बताई, तो वो आप देख सकते हैं आसानी से। देखिए इस प्रकार से यहाँ से ले लेंगे, इसको नज़दीक कर देंगे, फिर यहाँ से लेंगे इस प्रकार से, यहाँ से लेंगे इस प्रकार से, एक एक स्क्रॉल करके आप डालते रहेंगे। देखो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना माई में। और भी देखना चाहें तो पर्टिकुलर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों माई के ताना के बारे में, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसमें और अलग अलग हमारे चारपाई की डिजाइंस भी देख सकते हैं। चैनल पे जाएंगे थोड़ा विजिट करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और ये पगात क्यों डालना है, क्योंकि जब भी आप चारपाई बनाएंगे दोस्तों, थोड़ा कम डालिए पगात अवश्य डालिए, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। जब हमारी चारपाई भविष्य में लूज हो जाएगी तो उसको बराबर ताना को करने के लिए टाइट कर देंगे हम, और ये माई के साथ साथ ये पगात हमारी टाइट हो जाएंगी, तो वो ताना पूरा टाइट हो जाएगा तो उसमें ज़्यादा चलेगी दोस्तों। तो ये चीज़ आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो माई के साथ साथ ये पगात इसलिए डाली जाती है। और बोतल में चारपाई के बारे में देख सकते हैं हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो, और हिरण हाथी घोड़ा मोर ऊँट तोता ये देख सकते हैं, ये सब कला है और कला हमेशा दिखाई जाती है। तो देखिए बहुत ही आसानी से इस प्रकार से डालिए। पहले ये ले लीजिए, इसको नज़दीक कर दीजिए, और फिर यहाँ से ऊपर से लेंगे और नीचे से ये लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं पगात के बारे में। इससे कई मैंने 5-6 प्रकार की पगात बताई हैं, तो वो भी देख लीजिए चैनल पे, थोड़ा विजिट कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि किस प्रकार से पगात बनाई जाती है। और भी आप देखना चाहेंगे हमारे चैनल पे, थोड़ा सा विजिट करेंगे तो आपको खटिया के बारे में मिल जाएगी। चारपाई में नाम कैसे लिखते हैं वो भी आप देख सकते हैं। माई में भी मैंने नाम लिख कर दिखाया है, और ये भी बिल्कुल नई डिजाइन की माई है, तो ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों। इसका पर्टिकुलर मैंने वीडियो बना दिया, तो वो सभी आप विजिट करेंगे तो आप देख पाएंगे। और इसमें सिंपल भी देख सकते हैं और भी आपके डिजाइन देख सकते हैं। वैसे मैंने 5-6 प्रकार से बताई हैं, तो वो भी पर्टिकुलर मैंने वीडियो बनाया दोस्तों, तो भी आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके आप उससे बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।